नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे, लॉकडाउन में क्या करें। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, काफी लोगों ने इस वीडियो की डिमांड की है। एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी ज्यादा लोगों ने मुझसे पूछा कि सर हमारी सिटी में लॉकडाउन लग रहा है, क्या करें लॉकडाउन में, क्या होनी चाहिए हमारी प्लानिंग, किस हिसाब से हम प्लान करें लॉकडाउन को ताकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव और यूजफुल हो जाए। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, बने रहिएगा मेरे साथ। मैं देने वाला हूं आज 5 ऐसी टिप्स, 5 ऐसे तरीके जो कि कहीं ना कहीं आपके अपने लाइफ में काम आने वाले हैं अगर आपके शहर में भी लगने वाला है लॉकडाउन। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। लॉकडाउन के बाद भी, लॉकडाउन के समय पे काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और काफी लोगों का समय बहुत ही अच्छा जा रहा है, लेकिन हमको, आपको सबको पता है कि वर्क फ्रॉम होम में हमारे पास काफी समय बचता है, क्यों ना उस समय का कहीं सही जगह उपयोग किया जाए। आज ऐसे 5 इफेक्टिव पॉइंट्स बताऊंगा जिस जगह पे अगर आपने अपना समय लगाया तो ना सिर्फ लॉकडाउन, इवन कोई भी छुट्टियां होंगी आपकी, कभी भी आप लेंगे तो उस समय पे ये पॉइंट्स का यूज कीजिएगा, इन चीजों का यूज कीजिएगा ताकि आपका समय बहुत ही अच्छा जाए और आप कुछ नई चीजों को सीख पाए। चलिए समझते हैं, जानते हैं क्या है ये 5 पॉइंट। दोस्तों इन 5 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपको जो करना होगा वो है सेल्फ एनालिसिस। कई बार हम रोज की अपनी लाइफ में अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, हम ये सोच नहीं पाते कि जो हम कर रहे हैं हमारा एक्चुअल गोल क्या है, हम किस मिशन पे हैं, हमको क्या अचीव करना है, ये हम सोच नहीं पाते और बस अंधाधुंध आंख मूंद कर अपनी डेली रूटीन को रिवाइंड करते रहते हैं। ये लॉकडाउन का समय, घर पे रहने का समय एक बहुत अच्छा टाइम है जहां पे आप अपने आप को समय दे सकते हैं, जहां पे आप सोच सकते हैं कि क्या जो आप कर रहे हैं उससे आपके 10 साल बाद वाला गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो ये राइट टाइम है एक राइट डिसीजन लेने का। तो सबसे पहले आपको जो काम करना होगा वो क्या है इस लॉकडाउन में, सेल्फ एनालिसिस कीजिए, खुद को समय दीजिए, खुद के बोलने, पहनने, काम करने के तरीकों को समय दीजिए और समझिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इस लॉकडाउन में कुछ नई स्किल्स की तरफ फोकस कीजिए, कुछ नई चीजें सीखिए। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस में किसी मैनेजमेंट लेवल पे हैं तो मैनेजमेंट लेवल के कोई क्रैश कोर्सेज जो अनअकैडमी एंड बहुत सारी कंपनियां करा रही हैं वो कर लीजिए। अच्छी खासी डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे आप और एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप किसी वीडियोग्राफिक ऑडियोग्राफिक टेम पे हैं तो आप उस पे और अच्छी लर्निंग ले सकते हैं, बहुत अच्छे स्किल वहां से सीख सकते हैं। तो नई नई चीजों को सीखिए, नए नए स्किल्स को सीखिए जो कि ये लॉकडाउन के समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आपके टाइम को बचाएगा और आपको कुछ नई चीजें सिखाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। समझिएगा, थर्ड टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम में आप में काफी लोग ऐसे हैं जो कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं और काफी लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। आज इन दोनों के लिए मेरा थर्ड टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस लॉकडाउन के समय पे आप खुद को और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को टाइम दीजिए, काफी सारे सोशल कनेक्शंस बिल्ड कीजिए, पॉजिटिव कनेक्शंस जो कि कहीं ना कहीं आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके लाइफ में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। जैसे कि आप लिंक्डइन पे जाइए, कुछ प्रोफेशनल व्यक्तियों से कनेक्ट कीजिए, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट, अपने प्लान्स, अपनी थ्योरीज, अपने थॉट्स, और जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप व्हाट्सएप के जरिए, आप फेसबुक के जरिए, आप इंस्टाग्राम के जरिए, ऐसे बहुत सारे सोशल साइट्स हैं जिनके जरिए आप एक्टिवली अगर परफॉर्म करते हैं, अगर आप एक्टिव हो जाते हैं इन सोशल साइट्स पे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। डेली पोस्ट डाल, अपने सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाइए, ये एक अच्छा रिजल्ट होगा आपके लिए और बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिस्पांस देगा। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है, रीडिंग एंड राइटिंग पे फोकस कीजिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है दोस्तों कि रीडिंग और राइटिंग ये दोनों प्रोसेस ऐसे प्रोसेस हैं जो कि आपके थॉट्स को, आपके सोचने के नजरिए को, तरीके को, सबको बदलते हैं। अगर आप भी एक अच्छे रीडर है, अगर आप भी बहुत सारे अच्छे बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को, लेसन्स मिलेंगे और ये समय बहुत ही अच्छा होगा कि आप कुछ नई चीजों को रीड करें, कुछ नए प्लान, कुछ नए थॉट्स, आपके रिलेवेंट, जो आपके वर्क रिलेवेंट हो, आपके जॉब रिलेवेंट हो, ऐसी चीजों को पढ़े और लिखे, उनके बारे में कुछ थॉट्स प्रेजेंट करें अपने उसी सोशल मीडिया पे जिसकी मैंने बात की थी। चलिए इसी के साथ चलता हूं मैं अपने 5वें और आखिरी पॉइंट पे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मेरा 5वां और लास्ट पॉइंट है जहां पे मैं बात करूंगा आपके फैमिली की। हम अपने
डेली रूटीन्स में कई बार अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, उनके साथ हंस बोल बैठ और अपने फ्यूचर की ड्रीम्स को, अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर पाते, ये बहुत अच्छा टाइम होगा कि इस लॉकडाउन के सेशन में जब आप घरों पे हो, छुट्टियों में हो, इस टाइम पे अपने फैमिली को टाइम दीजिए। अपनी इन सारी एक्टिविटीज के साथ आपका फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करती है, आपकी चीजों को सपोर्ट करती है, और अगर आप उनसे अपने थॉट्स शेयर करते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया तो कोई और देगा उन्हें टाइम, और कोई और देगा तो हो सकता है वो आपकी चुगली, आपकी बुराई या फिर समाज की बहुत सारी गंदी चीजों के बारे में आपकी फैमिली मेंबर्स के दिमाग में डाले। इससे अच्छा है आप उन्हें टाइम दीजिए, आप बिजी रखिए, आप इंगेज कीजिए। उम्मीद करता हूं मेरे ये पांचों पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। छठवां और लास्ट चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि दोबारा लॉकडाउन के ऐसे टाइम पे आपको घर में ना बैठना पड़े, आप कुछ ना कुछ बिजनेस प्लान कर सकते हैं। बिजनेस की बेहतरीन आइडियाज के लिए आप मेरे इस चैनल पे बने रहने के लिए और आगे अपने कमेंट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। ध्यान रखिएगा, कोविड का समय है, अगर आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर परिवार सब कुछ सुरक्षित होगा। आपकी सुरक्षा, आपके घर परिवार की सुरक्षा आपके अपने हाथ पे है। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।